long drawn tournament and they and especially for these guys who are artists they are uh, actors and uh, just to keep up the intensity concentration uh, in in, uh, in in an area which is not their core competence well lagta hai ki that's why i hats off to them पर uh, law of averages भी कहते हैं जैसे इंडिया सारे मैचेस जीत के फाइनल हारा था वर्ल्ड कप में <laughs> तो कई बार मुझे लगता है कि कि कई बार थोड़ा सा ईजी लेके अपने वीक एरियाज को करना पड़ेगा और तेलुगु वॉरियर्स के लिए मुझे लगता है कि अच्छी बात यह है कि वहां पे उनको ये मैच जीतना जरूरी है तो उसको जीतने के लिए अगर वो थोड़ा सा भी डिफेंसिव हो जाएंगे तो वो जीतेंगे नहीं मुझे लगता है कि ऑल आउट खेलना होगा एग्रेसिव खेलना होगा अटैकिंग खेलना होगा और तमन ये थे स्टार क्या बैटिंग की उन्होंने हैदराबाद में एक पारी ऐसी खेली इन्होंने और क्या ऑलराउंडर है और मैंने उनको प्राइज जो उनको मिला था मैन ऑफ द टूर्नामेंट मैन ऑफ द मैच का तो मैंने कहा इज ब्लो टू गोइंग ऑन दैट टैलेंट इज देर द बॉडी और यहां पे स्टंपिंग का मौका हो सकता था लेकिन आई नहीं हाथों में गेंद और बल्लेबाज को मौका मिला वापस आने का चंदन जो छप्पन रन बनाकर खेल रहे हैं चौबीस गेंदों पर सतहत्तर पर चार कर्नाटका का स्कोर और ज्यादा रन नहीं रह गई हैं इस इनिंग्स में विष्णु इंदूरी थक चुके होंगे मुझे लगता है कि इतनी प्लानिंग की है और इसलिए टूर्नामेंट के फाउंडर हैं आइडिया उनका है ये नया फॉर्मेट जो लेके आए हैं ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था पहले प्लेयर्स को मनाना क्योंकि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ यह फॉर्मेट मुझे लगता था कि इट्स अ ब्रेव डिसीजन एंड ही लुक्स हैप्पी विद इट बिकॉज द मैच इज बिकम वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अभी तक पता ही नहीं है कि क्या टाइम लाइन है क्योंकि जैसे वनडे का हमें पता है टेस्ट मैच का पता है हवा में बॉल है ओह क्या बात है बहुत बढ़िया कैच क्या कैच क्या, पकड़ा कितना जज अच्छा किया और आसान नहीं है नए स्टेडियम में आके पहले मैच नहीं खेले यहाँ पे और ये बड़ा विकेट तो नहीं कहूंगा चंदन का विकेट जरूरी था पर चलिए दो गेंदे वेस्ट हो गई और अभी गेंदे हैं सिर्फ आठ जी हाँ हवा में उठा के मारी थी ये गेंद इन्होंने और जरूरत भी थी इस शॉट की क्योंकि ज्यादा गेंदे नहीं रह गई हैं इस पारी में लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से कैच जज किया आगे आए पीछे गए लेकिन नजर नहीं हटाई गेंद पर और पांचवा विकेट यहां पर कर्नाटका का गिरा हुआ मंजूनाथ गौड़ा दो रन बनाकर आउट सेवेंटी एट फाइव की मर्जी है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस एंड टारगेट जो है उनके लिए आईसीज के रूल्स फॉलो नहीं करते पर अब है कि जब शॉट मारते हैं आप और बल्लेबाज क्रॉस कर जाता है नहीं होता यू हैव टू कम बैक एंड नया बैट्समैन ही फेस करेगा सो दीज न्यू लॉज आर देयर बड़ा मजा आता है और uh, एक uh, चौका आया पर मुझे लगता है कि कहाँ से मर्जी आए पहले जमाने में ऐसी शॉट पे थोड़ा सा बल्लेबाज थोड़ा जैप जाता था एंड दैट गेम वॉज अनबिलीवेबल ही डिड वेल एक्चुअली गॉन फॉर इट वे सो चार रन बचाने जरूरी है आप विकेट जरूरी नहीं है क्योंकि कार्तिक का शॉर्ट था चंदन का होता तो ट्राई करते <laughs> क्योंकि वही हैं जो डैमेज कर सकते हैं अभी अभी पाँच गेंद हैं तो लेकिन यहाँ पे प्रेशर खत्म हो चुका है उनको पता है कि पांच गेमे हैं तो अब यहाँ पे बाउंड्रीज ही लगानी है जी, मुझे तो uh, कप्तानी में तो लगता, मुझे लगता है। मैंने पूछा कि इतनी सीरियसली लेते हैं और उन्होंने इस फॉर्मेट को भी एनालाइज किया मैंने बहुत सोचा है इस फॉर्मेट पर कोई पीछे डेटा नहीं है कि कितने होता है क्या होता है जैसे पता है वनडे इंटरनेशनल में अगर में जितने स्कोर होता है अगर विकेट्स आपके हाथ डबल इट और उसका हमारे पास इंपेरिकल डेटा है क्या होता है पर इस फॉर्मेट में पता ही नहीं क्या हो रहा और अभी जब इंटरव्यू कर रही थी कृष्णा दस, तो 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 दस मारते चले जाइए एक छोर पे तो एक खिलाड़ी रहना ही चाहिए और जैसा हमने देखा है चंदन ने किया है यहां पर उसके बावजूद ही कर्नाटका जो है वो इस स्कोर पर पहुंच पाए हैं तो अगर एक प्लेयर खेल रहा है और बाकी शॉट्स लगा रहे हैं वो एक स्ट्रैटेजी बन सकती है यहां पर चूके एक बड़ा शॉट लगाने से और अब केवल तीन गेंदे बाकी रह गई हैं इस पारी में बहुत बढ़िया मुझे लगता है डॉट बॉल इज लाइक गोल्ड डस्ट पर आप देखिए मुझे लगता है कि आ, नहीं होना चाहिए इसे अगर ये रोल है आपके पास आजकल हर टीम के पास और ये ये बड़े शॉट्स लगाना क्रॉस बैटिंग मारना ये सबको आता है पहले कोच डांट देता था थपड़े मार देते थे क्रॉस बैटिंग शॉट पे कि क्रॉस क्यों खेले आप आजकल वो नहीं आता तो आप नहीं खेल सकते क्रिकेट हैं है, है। बहुत ज्यादा गर्मी है पैंतीस डिग्री के टेम्परेचर में हम तो यहां बैठे हैं कॉमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा थोड़ी सी यहाँ पर ठंडक है लेकिन बाहर फील्ड पर पैंतीस डिग्री टेम्परेचर ह्यूमिडिटी हीट और उन्होंने हाफ सेंचुरी भी लगाई है यहाँ पर कहना आसान है दस ओवर खेलना लेकिन खेलना आप, अलग बात है अब ये घर गर्मी है और थक गए होंगे तो मुझे लगता है कि कुछ हाइलाइट्स दिखानी चाहिए मेलबर्न uh, में 46 डिग्रीज में वी फिल्ड इट फॉर अ डे एंड हाफ और चेन्नई में हमने दो दिन फील्डिंग करी थी 42 में <laughs> तो अगर इससे थक रहे हैं तो कुछ करना पड़ेगा और क्रैम्स आते हुए भी यहां पर बेहतरीन शॉट लगाया है चंदन ने

ये बहुत बढ़िया ओवर है मुझे लग रहा था कि रन आराम से पहुंचना चाहिए पर नहीं पहुंचे नाइनटी वन फॉर फाइव इज द टोटल वेल डन और चंदन ने